मैं हुशियार सिंह पीएचई एम्प्लाई जुनाइट फ्रंट मेंबर। हमारी जो काम छोड़ हड़ताल पिछली 22 तारीख से चल रही है, आज शाम को उसको फिर 48 घंटे के लिए आगे बढ़ाया है। आज सुबह हमारी जम्मू डीसी मैडम से बैठक हुई, जिस बैठक में सारी चर्चा होने के उपरांत अभी तक ये निचोड़ में निकलता है कि एलजी प्रशासन हमें देने कुछ नहीं जा रहा, इसलिए हमने जे स्ट्राइक को और आगे बढ़ाया है। साफ और क्लियर कट मैसेज प्रशासन को प्लस अपने डेली वेजर को, जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं जे स्ट्राइक बस जारी रहेगी। जे स्ट्राइक हमारे बच्चों की स्ट्राइक है और ये आखिरी स्ट्राइक है। हर डेली वेजर इसको कामयाब करने के लिए अपना सहयोग दे, और जो डेली वेजर अभी भी छुप छुपाए कहीं सप्लाई या अदर काम में लगे हुए हैं वो अलर्ट हो जाएं। आने वाले समय में उनके साथ अगर उल्टा सीधा होता है तो उसका जिम्मेवारी वो खुद अपने ऊपर लेंगे, ना कि हमारे ऊपर। हमने पिछले 22 तारीख से जो समझाते आ रहे हैं, ये डेली वेजर का इशू है, उसके बच्चों का इशू है, तो उसके बच्चों के लिए ये लड़ाई चल रही है हमारी। तो ये लड़ाई तब तक जारी रही जब तक गवर्नमेंट हमारी तीनों डिमांडों पर सहमत नहीं होती। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पीएचई डेली वेजर्स की जो लगातार स्ट्राइक चल रही है, ये स्ट्राइक 22 तारीख की शुरू हुई है और आज शाम को ये निर्णय लिया गया है कि इसे 48 घंटे के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा। पीएचई डेली वेजर्स का कहना है कि उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, इसलिए उनको ना चाहते हुए भी स्ट्राइक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा, पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं वो जो लगातार स्ट्राइक में हैं, इससे पीएचई डिपार्टमेंट और लोगों को भी जो है असुविधा ज़रूर हो रही है, लेकिन सरकार इनकी परमानेंट पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। सरकार को पीएचई डेली वेजर्स की परमानेंट पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं ये भी नौकरी कर सकें। राम राम।